मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, मैं देवाशीष और मैं आपको अब इस वीडियो में जो बताने जा रहा हूं कि भाई कि जेई मेन 2018 का एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से फिल करें और इसमें मैं आपकी मदद करने जा रहा हूं, आपको पूरी बातें समझाने जा रहा हूं। तो जो इम्पोर्टेंट सब पॉइंट है वो ये देखिए कि सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है कि 1 दिसंबर 2017 से लेके 1 जनवरी 2018 के बीच में है। तो आप लास्ट मोमेंट का इंतजार नहीं करेंगे, मैं उम्मीद ये करता हूं और मैं स्ट्रांगली आपको रिकमेंड ये करूंगा कि पहले 15 से 20 दिनों में कंप्लीट आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दीजिए विदाउट एनी मिस्टेक। सबसे बड़ी बात यहां पर यह है जो मैं आपको यहां पे सजेस्ट करना चाहूंगा, एप्लीकेशन फॉर्म का डेट याद रखिए 1 दिसंबर 2017 से ओपन होने जा रहा है लेकर के 1 जनवरी 2018। एक तो बात यहां पे ये हो गई। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे ये है कि सब कुछ यहां पे ऑनलाइन करना है, कुछ भी यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म्स रिलेटेड ऑफलाइन कहीं पे भी नहीं आपको एंटरटेन करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपको सबमिट करना है, उसे फिल करना है, उसके लिए आपको जिस साइट पे विजिट करना है, जिस साइट पे जाके आपको ये पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट और फिल करना है, उस साइट का नाम, उस वेबसाइट का नाम लिखिए www.jeemain.nic.in, राइट। यहीं पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल भी करना है और यही इसी साइट पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करना है। अब जो नेक्स्ट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई कि डेट ऑफ एग्जाम कब होएगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि भाई कि 8th अप्रैल 2018 संडे, उस दिन आपका ऑफलाइन मोड कहते हैं या पेन एंड पेपर बेस्ड एग्जाम कह सकते हैं आप इसे। दूसरा ऑनलाइन या कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम 15th अप्रैल संडे को एंड 16th अप्रैल 2018 मंडे को रखा गया है। इनमें से जो भी कंफर्टेबल हो आपके लिए वो आप उस मोड पे जा सकते हैं, या तो पेन एंड पेपर मोड पे जा सकते हैं या कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पे जा सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अब मैं यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, उसे सबमिट करना है, उसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि देख रहे हैं कि ऑनलाइन सबमिशन के वक्त आपको जितने भी डिटेल हैं वो प्रॉपरली विदाउट एनी मिस्टेक वहाँ पे आपको फिल करना है, इस बात को ध्यान में रखना है। साथ में आपको अपलोड करना है स्कैन फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर, मैं इसके बारे में बताऊंगा अभी कुछ देर में कि स्कैंड फोटोग्राफ कैसा होना चाहिए और आपका सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, वो भी जेई मेन ने स्पेसिफाई कर रखा है। और जब आप सारा डिटेल फिल कर देंगे और फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर को अपलोड कर देंगे तो उसके बाद फिर आपको यहाँ पे सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद क्या होगा कि एक एक्नॉलेजमेंट पेज विथ एप्लीकेशन नंबर जनरेट होएगा, इसका आप प्रिंट आउट जरूर से ले लीजिएगा, आप ये बात ध्यान में रखना है ताकि फ्यूचर में इसको आप एज द रेफरेंस यूज कर सकते हैं। साथ में पॉइंट यहाँ पर ये है कि जो आप ये एक्नॉलेजमेंट पेज का प्रिंट आउट निकालेंगे उसे आपको जेई मेन में बिल्कुल नहीं भेजना है, वहाँ पे तो इसके बारे में कोई एंटरटेनमेंट ही नहीं करी जाएगी, वो केवल आपके अपने रेफरेंस के लिए है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब एप्लीकेशन फ़ी की पेमेंट करनी, एप्लीकेशन फ़ी की पेमेंट आप दो मोड में से कोई एक मोड का यूज करके कर सकते हैं, या तो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या पेटीएम, इन तीनों में से एक मोड पे जाके पे कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये रहेगा कि आप कैश की पेमेंट भी कर सकते हैं इन द स्पेसिफाइड बैंक, जो कि सिंडिकेट बैंक है, कैनरा बैंक है, ICICI बैंक है। जब आप इस ऑप्शन पे जाएंगे तो आपका एक ई चालान जनरेट होएगा और वो ई चालान आपको लेके जाना है और उस ई चालान का यूज करके ही आपको बैंक में डिपॉजिट करना है रिक्वायर्ड अमाउंट, राइट। तो ये पॉइंट है यहाँ पे। अब मैं फी क्या पे करनी है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, साथ में आपको यही बताऊंगा कि आपका फोटोग्राफ और सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, राइट।
प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आपको फोटोग्राफ के बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली बात यह है कि आप अपने पास एटलीस्ट, यहाँ पे तो लिखा हुआ है कि मिनिमम 6 to 8 आइडेंटिकल फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए, तो इतना आपके पास होना चाहिए। फोटोग्राफ को आपको क्या करना है कि स्कैंड इमेज उसकी लेनी है बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, राइट, ये ध्यान में रखना है। साथ में आपको सिग्नेचर का भी स्कैंड इमेज, अपना सिग्नेचर जो आपका सिग्नेचर है, फादर, मदर या गार्जियन, उनका सिग्नेचर को भी आपको इन एडवांस उसे स्कैन करके आप अपने सिस्टम पे रखेंगे, राइट, ये बात को ध्यान में रखना है, जिससे कि ड्यूरिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, ड्यूरिंग द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, उसे आपको अपलोड करने की जरूरत पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पे कि फोटोग्राफ के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखिए, आपका फोटोग्राफ कलर भी हो सकता है, ब्लैक एंड वाइट भी हो सकता है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है क्लियर कंट्रास्ट होना चाहिए। आपका नाम होना चाहिए, कैंडिडेट नेम देख रहे हैं यहाँ पे, किरण बाला, इसी तरीके से आपका नेम वहाँ पे होना चाहिए, और जिस दिन फोटोग्राफ की प्रिंट हुई है वो डेट उसका स्पेसिफाइड होना चाहिए। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आप किसी कैप नहीं लगाना है, टोपी नहीं पहनना है ड्यूरिंग द फोटोग्राफी, गॉगल्स नहीं पहनना है, हाँ आप जो चश्मा नॉर्मल पहनते हैं वो पहन सकते हैं, पोलेरॉइड फोटोग्राफ्स नहीं होना चाहिए, पोलेरॉइड फोटोज आर नॉट एक्सेप्टेबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट, तो ये बात को ध्यान में रखना है। साथ में अपने इस आइडेंटिकल फोटो को 6 से 8 फोटोग्राफ्स आप डेफिनेटली जरूर से रखेंगे, ताकि आने वाले टाइम में जब भी आपका काउंसलिंग सेशन होएगा या एडमिशन प्रोसेस के टाइम, उस समय आपकी इसकी जरूरत पड़ सकती है। तो मैंने आपको फोटोग्राफ का डिटेल आप बता दिया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भाई कि सिग्नेचर कैसा होना चाहिए। तो मैं आपको फोटोग्राफ के बारे में तो बता ही चुका हूँ, साथ में आपको बताने जा रहा हूँ कि जो फोटोग्राफ होना चाहिए वो JPG फॉर्म में होना चाहिए। दिख रहा है आपको फाइल फॉर्मेट, फाइल की साइज भी दिख रही है, 4 KB to 40 KB, 4 KB से लेके 40 KB के बीच में, डायमेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, 3.5 cm by 4.5 cm। सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, जो आपका सिग्नेचर होना चाहिए जो स्टूडेंट एग्जाम में अपीयर कर रहा है, वो भी JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। फाइल की साइज जो होगी उसकी 1 KB से लेकर 30 KB के बीच में, और डायमेंशन 3.5 cm by 1.5 cm। इसी तरीके से आपके फादर या मदर या गार्जियन का जो सिग्नेचर है उसका फाइल फॉर्मेट आप भी देख ही रहे हैं, साथ में फाइल साइज भी देख रहे हैं और डायमेंशन भी देख रहे हैं। तो ये आपका जो फॉर्मेट दे रखा है, इसी फॉर्मेट को आपको फॉलो करना है, ताकि आपको फोटोग्राफ को अपलोड करते हुए या अपने सिग्नेचर को अपलोड करते हुए अपने पेरेंट्स के सिग्नेचर को अपलोड करने में कोई भी दिक्कत ना आए, राइट। अब मैं आगे जो बात करने जा रहा हूँ वो मैं अब आपको बताने ये जा रहा हूँ कि फ़ी के बारे में डिटेल बताने जा रहा हूँ कि क्या फ़ी आपकी होनी चाहिए, आपको क्या फ़ी सबमिट करनी है, और इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अब मैं आपके सामने जो स्क्रीन पर आपके सामने लेके आ रहा हूँ वो अमाउंट ऑफ फीस के बारे में बात करने जा रहा हूँ, और वो आपके सामने दिख भी रहा है स्क्रीन पे। यदि आप पेन पेपर एग्जाम देते हैं तो उसका एक अलग अमाउंट है, यदि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देते हैं तो उसका अलग अमाउंट है, यदि आप केवल पेपर वन में अपीयर करते हैं तो भी अमाउंट आपका अलग है, पेपर वन और पेपर टू दोनों में एक अपीयर करते हैं तो उस केस में अमाउंट अलग है। साथ में यदि आप किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, बॉय हैं या गर्ल हैं, उसके हिसाब से आप चार्ट में देख सकते हैं अमाउंट ऑफ फ़ी। तो आप इसको बड़े ध्यान से देख करके आप ये डिसाइड कीजिए कि कौन सा अमाउंट आपको पे करना है, राइट। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अब तक हमने आपको बता दिया कि भाई कि फ़ी जो है कितनी आपको पे करना है। अब यहाँ पे काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप देखेंगे जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि जो अमाउंट ऑफ फीस है उसके साथ साथ आपको 1.20% उसके उसमें ऐड ऑन करनी है यदि आप क्रेडिट कार्ड से पे करते हैं। तो लिखा हुआ है क्रेडिट कार्ड से यदि आप पे करेंगे तो 1.20% ऑफ द एग्जामिनेशन फी प्लस द GST जो कि अप्लीकेबल होएगा, तो उसको मिला करके आपको वो अमाउंट पे करना है। यदि आप डेबिट कार्ड से पे करते हैं तो 0.75% प्लस GST फॉर एग्जामिनेशन फी अप टू 2000 एंड 1% प्लस GST फॉर एग्जामिनेशन फी मोर देन ₹2000, जो कि क्लियरली लिखा हुआ है, तो ज़रूर से कैलकुलेट कर लीजिएगा आप, और उस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना है। इस बात को ज़रूर से ध्यान में रखना, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये देख रहे हैं आपकी
किसी भी हालात में डिमांड ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर, आईपीओ वगैरह से पेमेंट आपको नहीं करना है, वो कम्प्लीटली रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। तो इस बात को आपको अपने माइंड में रखना है। इसके बाद देखिए, जो आप पैरा 12 देख रहे हैं उसमें लिखा हुआ है कि आफ्टर पेइंग द अमाउंट ऑफ फी द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू चेक द स्टेटस ऑफ द फी पेमेंट एट CBSE वेबसाइट, राइट। तो आपको CBSE की वेबसाइट पे जा करके, जो कि jeemain.nic.in है, वहाँ पे जा करके आपको स्टेटस ऑफ पेमेंट चेक करना है, और यदि स्टेटस ऑफ पेमेंट ओके आ रहा है देन आपको इसके बाद प्रिंट आउट लेना है एक्नॉलेजमेंट पेज का, राइट। तो इसको आप एक बात ध्यान में रखना है इसमें। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो सारा मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है, राइट। और आगे और कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, अब आधार से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो कि आप पैराग्राफ 6, 7, 8, 9 एंड 10th में देख सकते हैं, तो ज़रूर से इन सारे पॉइंट्स को बड़े ध्यान से पढ़ लेना और आधार से रिलेटेड जो भी प्रोविज़न है उसे अकॉर्डिंग टू द JEE मेन उसे अप्लाई करना, राइट। तो इसमें सारे पॉइंट्स क्लियरली लिखे हुए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, आपने देखा होगा अभी कि जो एप्लीकेशन फॉर्मेट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि स्क्रीन पे चल भी रहा है, तो इसको ज़रूर से आप साथ साथ पढ़ते रहना और उसके अकॉर्डिंग जो है जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो इसमें कंप्लीट एक आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है कि किस तरीके से कहाँ पर क्या फिल करना है, तो ये आप ज़रूर से इसको रेफरेंस के तौर पे यूज करना, राइट। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा, साथ में ये कहूँगा कि अपेंडिक्स जो है आपका, खासकर 4, 2, 3 एंड 6, इन अपेंडिक्स को भी साथ में ध्यान में रखना, क्योंकि उस अपेंडिक्स का यूज करके ही आप फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे ऑनलाइन। मेरे ख्याल से मैंने जो आपके साथ बात करा है, मेरी जो आपके साथ कन्वर्सेशन इस वीडियो के थ्रू हो रही है और जो मैंने आपको गाइडलाइंस दिया है, उसका आपको डेफिनेटली बेनिफिट होएगा, फ़ायदा मिलेगा, लाभ मिल रहा होगा आपको। तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखिए, लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए। हमारे इस चैनल पे एक कई सारे वीडियोज अवेलेबल हैं आपकी पढ़ाई के लिए और वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, हम लोग कोई भी आपसे चार्ज नहीं कर रहे हैं। इसके अंदर हमने JEE मेन, JEE एडवांस, क्लास 11th, क्लास 12th, 10th का भी काफ़ी सारे वीडियो बना रखा है जो कि आपकी पढ़ाई में काफ़ी यूजफुल हो सकता है। तो डेफिनेटली आप उसे यूज करें, लोगों को हमारे चैनल के बारे में बताइए, जो हमारा चैनल काम कर रहा है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुंच सके, राइट। ओके, थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, फॉर योर कैरियर, और आप भविष्य में फ्यूचर में काफ़ी अच्छा करें और इस कंट्री के लिए, हमारी सोसाइटी के लिए एक काफ़ी आप यूजफुल सिटीजन बने, एक अच्छा इंसान बने, एक अच्छा नागरिक बने और एक अच्छा इंजीनियर बने, एक अच्छा साइंटिस्ट बने। मैं आप लोगों के बारे में ऐसा ही सोचता हूँ, राइट। तो फिर से मिलेंगे अगले सेशन में, जिसमें कि कुछ ना कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बात करी जाएगी और कुछ नए प्रॉब्लम के ऊपर बात करी जाएगी। आगे आने वाले टाइम में हम लोग कई सारे वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, जिसमें कि और भी हम लोग गाइडलाइंस आपको देंगे, कॉन्सेप्ट्स भी पढ़ाएंगे आपको, और जो कि आपके पढ़ाई के लिए, आपके फ्यूचर के लिए, और आपको एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा टेक्नोक्रैट एंड एक अच्छा साइंटिस्ट बनाने के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है, राइट।